जैसे कोरोना संक्रमण तेजी से देश में फैलते जा रहा है, फिर से हमें वही स्थिति देखने मिल रही है जो एक साल पहले थी। और इस साल कोरोना की रफ्तार कहीं ज्यादा, उसकी लहर कहीं ज्यादा तेज है। तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इसके रोकथाम के लिए? जी, हम जानना चाहते हैं आप क्या लोगों को संदेश देंगे अपने तरफ से इसके रोकथाम के लिए। मैडम अभी तो हम वैक्सीन 18 वर्ष से ऊपर वालों को वैक्सीन लगाने का प्रचार में लग गए हैं जी, और 45 से ऊपर वालों को वैक्सीन कभी करी करी हर मंडल में हम हमारी पार्टी सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी लोग सभी लोग लग जाएंगे तो वो तो करीब करीब कम्प्लीट ही होंगे 45 से ऊपर वाले जी। अब तैयारी चल रही 18 से ऊपर वालों को। और जैसे कल हनुमान जयंती थी मैडम जी, तो हमने मंदिर में हनुमान जयंती मनाई जरूर, लेकिन अखंड रामायण में हम 20-20 आदमी पढ़ते थे बैठ के, बस सिर्फ 4 आदमी से हमने रामायण पढ़ाई 24 घंटे। और डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे मैडम जी तो खेलने से बचेगा वो जी जी कोरोना जी, उन चीजों का हमने ध्यान रखते हुए जी। बाबूलाल जी, हमें जानना चाहते हैं कि आप अपने वार्ड की जनता को अपने तरफ से क्या मदद दे रहे हैं? मैडम हमारी तरफ से मोदी जी ने घोषणा करी पर इन्होंने 5-5 किलो राशन की जी, और हमारे बाढ़ की जितनी भी राशन की दुकानें सरकारी उनका इतना अच्छा है, वो भले बाद पे कुछ करते हो लेकिन पिछली मरतब भी जब हुआ था तो हम लोगों ने जिनके पास राशन कार्ड थे उनको तो मिलनी, जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे उन लोगों को भी राशन दिलवाया। पिछले समय हमारे वो एडीएम साहब थे राजेश गुप्ता जी, उनसे के और मैडम नरवड़े हैं जी। तो मैडम जी काफी सहयोग रहा था, कोई भूखा नहीं रहा, मतलब सबको मिल ही जाता था राशन कार्ड। और सेवा भारती और अरेरा मंडल की तरफ से भोजन के कुछ पैकेट बनते थे वो हम वितरण करते थे इसी जगहों पे, अभियान स्टेशन वगैरह ऐसी जगहों पर जी। जी शुक्रिया बाबूलाल जी सक्षम न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। और मैडम जी कुछ भी काम हमारे लायक हो तो आप बताइए, हम लोग तो हमेशा तैयार है मैडम काम करने के लिए, घर बैठेंगे मास्क लगा घूमेंगे काम करेंगे तो वो काम आएंगे, अच्छी बात है ना, क्या मतलब जी जी, जितनी अपन से बन जाए मैडम जी बहुत अच्छी बात है इस जीवन के अंदर जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी मैडम। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।